काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ जिनकी मान्यता और देश स्तर की विशेषांक हैं डॉक्टर ओम शंकर इस समय आमरण अनशन पर हैं। यह महामना की बगिया है, सर सुंदरलाल चिकित्सालय का यह 19 नंबर कक्ष है जिसमें लगभग 30 घंटे से अधिक हो गए डॉक्टर साहब अनशन पर हैं। इनका यह कहना है कि हजारों मरीज हृदय रोग के कारण मर गए, दिवंगत हो गए, यदि समुचित इलाज हुआ होता तो उनकी जानें नहीं जाती और इस हॉस्पिटल से भी लोग रेफर किए जाते हैं, चले जाते हैं, हताश निराश और लाचार होकर के उनका जाना होता है, अपनी जानें गंवाते हैं। चिकित्सा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लीव जीने का अधिकार देता है, वो अभी घिसट घिसट करके नहीं सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार देता है, उसका हनन हो रहा है। यहाँ का चिकित्सक भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, शोषक है और किसी भी तरह वह चिकित्सा अधीक्षक रहने लायक नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का पोषण होता है, ऐसे लोगों का पालन होता है, ऐसे लोगों को लगातार सम्मान दिया जाता है जो उसके काबिल नहीं है। डॉक्टर और आमरण अनशन पर ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री तीसरी पारी खेलने के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर साहब ने दबाव बनाया हो कि प्रधानमंत्री का ध्यानाकर्षण हो और मजबूरी में विवशता में यहाँ उन्हें आना पड़े। मैं इन्हीं से जानता हूँ, अब डॉक्टर बीमार होगा तो मरीजों का क्या होगा, और डॉक्टर अगर आमरण अनशन करेगा तो उसका मानसिक स्तर कैसे होगा, मरीजों को देख कैसे पाएगा। इन्हीं संदर्भों में डॉक्टर साहब को बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब आमरण अनशन पर हैं और क्यों अपनी जान किसी की लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो ये आपराधिक कृत्य क्यों कर रहे हैं? ये क्या है कि ये निर्णय तो हमारे समझ से जो BHU के अधिकारीगण हैं जी, जो कि एक भ्रष्टाचार से संलिप्त पैर से सर तक व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक बनाकर बैठे हैं जी, और सभी जितने भी वैधानिक तरीके हो सकते थे जी, कि जो इस यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं अपने, उनके हजारों लोग जी, जिनकी जाने जा रही है, उनकी जान मुझसे कम कीमती नहीं है जी, और मैं उनको उनकी जान को बचा पाने में सभी ज्ञान होते हुए भी विफल हूँ, क्योंकि चिकित्सा अधीक्षक ने ताला हमारे बिस्तरों पर लगा रखा है और वो बेड हृदय विभाग को दे नहीं रहे हैं और हृदय के रोगी घंटों और मिनटों में अपनी जान गंवा देते हैं। तो उन लोगों के दुख और उनसे जो असुविधाओं से द्रवित होकर मेरे पास अपनी जान की बाजी लगाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है, और मतलब अनुनय विनय अनुरोध प्रतिरोध सब कुछ खत्म हो गया, अब एक अंतिम रास्ता बचा है कि यदि हमारी बात नहीं मानते हैं तो मरीजों के हित में मैं अपनी जान दे दूंगा, यही कह सकते हैं आप, क्योंकि उनके भी जान की उतनी ही कीमत है और हजारों जानों से मेरे एक का जान कीमती नहीं हो सकता है, उनके उन जान जिनकी जा रही है उनकी जान भी हमारी तरह ही कीमती है, और उनके बारे में ना यहाँ के प्रशासन सुन रहे हैं और वो जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर KK गुप्ता है, अपराधी कह रहे हैं आप, आप फिर से एक बार सोच लीजिए, अपराधी किन अर्थों में? अपराधी इन अर्थों में कि उनके विरुद्ध उनके ब्लड बैंक में किए भ्रष्टाचार की जांच की गई जिसमें वो अपराधी घोषित किए गए हैं। क्या हुआ ब्लड बैंक में? ब्लड बैंक मोटा ये है कि ब्लड बैंक में सबसे पहले तो वो खुद को स्वघोषित ब्लड बैंक के इंचार्ज बन गए थे जी, जो स्वघोषित तो कोई नहीं होता, अधिकारी नियुक्त करते, वो स्वघोषित बन गए थे। उसके बाद उनको जबरन कब्जा कर लिया था, जैसे अपराधी कहीं चीज़ किसी चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी तीसरी चीज़ कि उस ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो ब्लड बैंक जिनके वो स्वघोषित इंचार्ज थे वो बिना किसी सर्टिफिकेशन के चला रहे थे, यानी कि आधिकारिक मान्यता नहीं थी, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था उनका, और रजिस्ट्रेशन पाने के लिए जिस व्यक्ति का के जिन डॉक्टर की आवश्यकता होती है वो है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की, और ये मेडिसिन विभाग के डॉक्टर हैं, तो उनके नाम का दुरुपयोग किया था। जांच कमेटी ने इन सब के अलावा ब्लड IT के बच्चे 600 से ज़्यादा यूनिट ब्लड दिए थे जिनको उनके आरोप थे, जिनको बेच दिया इन्होंने, खून के सौदागर आप कह सकते हैं,
और उसके बाद जो धन होता था उससे ऐसी मशीनें खरीदते थे जिसमें इसको व्यक्तिगत लाभ हो। तो ये सब जो जांचें थी, जांच के दायरे के बाद इन पर कमेटी ने कहा कि इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और इन ये एक फ्रॉड और भ्रष्ट व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं उनको अपराधी कह रहा हूँ। यानी उसके आप मेरे पास जिन लोगों ने रक्तदान किया, एक बड़ा दान है देहदान, रक्तदान, और यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे परिवार की भी एक बड़ी भूमिका है कि मरणोपरांत हमारी माताजी सशरीर यानी गंगा जी नहीं गई, दाह संस्कार उनका नहीं किया गया और हम लोगों ने BHU को समर्पित किया माताजी को, और पिताजी हमारे गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में समर्पित किए गए, यानी पति पत्नी हमारे पूज्य माताजी पिताजी दोनों गए, इसलिए यहाँ के लिए हमारा अधिकार भी बनता है। डॉक्टर साहब ने रक्तदान की बात किया, कहा कि जिन लोगों ने रक्तदान किया था अभावग्रस्त मरीजों को खून के अभाव में दम तोड़ना न पड़े, उन लोगों के खून को बेचा गया, इसलिए रक्त का सौदागर है वह, और रक्त के सौदागर को सारी जांच जो भी उनके प्रतिकूल थी उसको नज़रअंदाज करते हुए अधीक्षक बनाया गया। यही है डॉक्टर साहब ना जी, और रक्त के सौदागर थे और बाद में रक्त की जाँच के सौदागर बन गए जी। वहाँ पहले ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार किया, फिर से कुल ये अधिक जो बने दूसरी बार, तो यहाँ के जो जांच घर थे उन्हीं को ब्लड बैंक को ही, ब्लड जांच घर को ही उन्होंने निजी हाथों में भेज दिया, और जो पहले से क्वालिटी जांच की रिपोर्ट कम खर्च पे गरीबों को मिलती थी, अब अधिक खर्च या लगभग निजी खर्च, निजी अस्पताल जो जांच केंद्रों के खर्च के बराबर में जांच देनी होती है, वो भी घटिया क्वालिटी, यानी कि तब भी ब्लड के सौदागर थे, आज भी है, उस समय ब्लड बेचने के आरोप थे और आज जो है ब्लड जांच में अनियमितताओं के आरोप। महामना की बगिया निजी हाथों में भी सौंपी जा रही है, जो जांच कम पैसे में होती थी वह जांच अब गुणवत्तापूर्ण नहीं होती और उस जांच में अधिक पैसे भी लगते हैं। डॉक्टर साहब, तमाम 10 वर्षों में, ठीक है आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्या हुआ, 10 वर्ष की समीक्षा तो की ही जानी चाहिए कि 10 वर्ष में क्या खोया क्या पाया। अब तक अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, इस कारण मरीज यहाँ से जा रहे हैं निजी चिकित्सालयों में, तो यह कहाँ का परिवर्तन है, कैसे माना जाएगा कि बहुत परिवर्तन हुआ और आमूलचूल परिवर्तन हुआ, लोगों को लाभ मिल रहा है? यही तो बात कर रहा हूँ, इस पर मैं प्रधानमंत्री जी के मंशा पे थोड़ा कम ये कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जब हम लोगों ने कई बार आवाज़ें उठाई, जो आवाज़ जिसके लिए उठाई वो तो वो खाली वो भी नहीं दिए, क्योंकि एम्स यहाँ पर बनने के लिए लगातार 10-15 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उन्होंने आज तक नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री रहते हुए वो खुद ये दे सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ सेवाएं ज़रूर दी, जैसे कि यहाँ एम्स का एक दर्जा दिया और यहाँ के जो ग्रांट थे उनको बढ़ाया और कई सारे जो अस्पताल के विंग थे उन नए भवनों का निर्माण कराया, जिसमें वो सुपर स्पेशलिटी विंग भी है जिसमें हृदय विभाग को 41 बेड दिए गए, और इसमें इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। 41 बेड दिए और आप शुक्रगुजार हैं, कितने मरीज आते हैं डॉक्टर साहब यहाँ और कितने वापस चले जाते हैं? क्या है कि देखने का नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन समीक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। 41 बेड दे दिया, वाह, देश के प्रधानमंत्री जी ने 41 बेड दिए, कितने मरीज वापस होते हैं? नहीं, 41 बेड या एडिशनल बेड दिए, जो 47 बेड मेरे पास थे, तो इससे सुविधाएं कम से कम पहले से लगभग दोगुनी हो जाती। कितने बेड चाहिए? बेड कम से कम 250 चाहिए, मिनिमम बेड 250। और कितने हैं आपके पास? 47 थे और चिकित्सा अधीक्षक ने उनको भी 41 कर दिया, वो तो 47 से कम से कम 41 और एडिशनल, मतलब 90 के आसपास, मतलब 250 चाहिए, 41 हैं, 47 थे वही हैं, और चिकित्सा अधीक्षक जो यहाँ पर है, जो एक अपराधी व्यक्ति है, वो कहते हैं आपको 47 की भी नहीं 41 की ज़रूरत है, अब आप कम कर लीजिए बेड को। ये तब कह रहे हैं, 47 बेड तब थे जब हमारी OPD 1 महीने की 400 होती थी, अब रोज़ की OPD 400 होती है, यानी कि 30 टाइम्स जो है मरीज लोड बढ़ गया, लोग पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन काल में चलते फिरते मौतें हो रही है। मैं 250 तो कम कह रहा हूँ, जब हर तीसरा व्यक्ति हृदय के रोग से मर रहे हैं तो अस्पताल का हर तीसरा बेड यानी हृदय विभाग के लिए होना चाहिए, यानी कि यहाँ जो संस्थान में 2500 बेड का दवा किया जाता है, हर तीसरा मतलब 850-850 बेड जो है हृदय विभाग को होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बेड बढ़ाने के बदला घटाने की बात कर रहा, और वो
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपराधी है, वो मानवीय नहीं है, वो चिकित्सक नहीं है और उनको पैसा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो अंधे हो गए हैं इसमें डूबकर। और इनका संरक्षण, दुख की बात यह है कि कुलपति जैसे सबसे महामना की कुर्सी पर बैठे तब के कुलपति और आज के कुलपति में, जहाँ यहाँ पर बैठे कुलपति एक कभी राष्ट्रपति तक की गरिमामयी उस कुर्सी का शोभा बढ़ा चुके हैं, उस कुर्सी पर बैठ के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं और संरक्षण कर रहे हैं और यहाँ के पैरों को काट रहे हैं, विश्वविद्यालय के नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के मजबूती के लिए जो सरकार ने 1000 करोड़ थे उसमें पूरी अनियमितता बरती जा रही है और ये भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल भी तत्कालिक था, जो मैक्सिमम कार्यकाल 3 साल की अवधि को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन अपने रिश्तों की वजह से जो भी उनका लाभ, दोनों का आपसी एक दूसरे का लाभ है, उसकी वजह से आज भी गलत तरीके से बनाकर इस विश्वविद्यालय में बनाकर रखा है, जो घोर निंदनीय है। महामना के बगिया में इस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिसे लेकर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर ने यह समझा कि अब बिना आमरण अनशन के कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ आएंगे देखेंगे किस प्रकार, आप देखिए डॉक्टर बीमार हैं और डॉक्टर साहब को देखने के लिए इनका बीपी कैसा है और ये रूटीन चेकअप है। डॉक्टर साहब बात भी होती रहे, कोई आपको मनाने आया कि लोग छोड़ दिए हैं कि कम से कम यह रोज रोज ऐसे ही करते रहते हैं जाएं काम खत्म हो। देखिए क्या है कि रोज़ रोज़ जो भी मैं कहा हूँ, मैं इस देश के आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी लाचार, कमज़ोर और इतने उनको अपनी परेशानियों की समझ नहीं है कि कहाँ से सुविधा होगा, तो ये तो हर एक नागरिक का दायित्व है। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को आज यही करना चाहिए जो मुझे करना पड़ रहा है, ये मेरा काम नहीं, ये उनका दायित्व है, यहाँ के राजनीतिज्ञों का दायित्व है, यहाँ के पक्ष विपक्ष के लोगों का दायित्व है जिसको मैं निभा रहा हूँ। और जहाँ तक यहाँ के अधिकारियों से मिलने की बात है, कुछ लोग जो है यहाँ आए थे अधिकारी, और उनसे कल भी मेरी वार्ता हुई थी, आज भी वो आए थे, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पे ये वार्ता नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो मेरी मांगे हैं कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, उस चिकित्सा अधीक्षक, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भ्रष्टाचार मुक्त करा जाए और यहाँ पर गरीब लोगों को, जो हृदय रोगी हैं खास करके, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तरों की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि जिन गरीब लोगों की बिना इलाज के या इलाज के अभाव में उनकी मौत ना हो। डॉक्टर साहब के हम मनाने तो आ रहे हैं, लेकिन जो मांगे हैं उस पर कोई विचार नहीं, इसलिए डॉक्टर साहब भी इस बात पर अडिग हैं कि हम अनशन तोड़ेंगे नहीं और वह पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, हृदय रोग, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, जिम करते हुए मर जा रहे हैं, व्यायाम करते हुए मर जा रहे हैं, हनुमान जी पाठ करते हुए रावण को ललकारते हुए मर गए, रावण भी बेचारा गिरा और मर गया, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में हृदय रोग विशेषज्ञ इतना महत्वपूर्ण विभाग और इस तरह का हो रहा है, सचमुच यह काफ़ी दुखद पक्ष है और भगवान आपको शक्ति दें, मैं चाहूँगा कि आपकी बातें मानी जाएं और इस प्रकार का भ्रष्टाचार कारित हुआ है जिसे जांच में सत्य पाया गया, जांच रिपोर्ट में उसके बाद भी कोई एक्शन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और बात मैं कहना चाहूँगा आखिरी में कि ये मैं आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में इस पूरे देश की आम जनता को सरकार के सामने खड़ी होनी चाहिए और उससे सवाल पूछना चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कोई भी विश्वविद्यालय नियम कायदे कानून से चलेगा कि किसी भ्रष्टाचारी के गुंडागर्दी से चलेगा, किसी अपराधी के गुंडागर्दी और अपराध से चलेगा? क्या वहाँ लोगों की जानें बचाई जाएगी या सामूहिक नरसंहार वहाँ के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा? अगर आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, अपने खुद के आवाज़ को, तो मैं अकेला आपके लिए कब तक लड़ता रहूँगा? मैं चाहता हूँ कि आप खुद सक्षम हों और अपने अधिकारों के लिए, खुद के लिए लड़ें, ज़मीन पर, सड़क पर, जहाँ भी आपके जानने पहचानने वाला पक्ष, विपक्ष, जाति, धर्म, हर चीज़ से उठकर, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये आम जनता के स्वास्थ्य के, जीवन जीने के मौलिक अधिकार का मसला है और आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। महामना की बगिया किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सभी का है और सभी
सभी को इसके लिए टोकाटाकी करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रभावी ढंग से आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसा कहना है डॉक्टर ओमशंकर का। और इनका यह भी कहना है कि हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, जो भी लड़ाई है यह जनहित की लड़ाई है और हम संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों को आदर्श उसको मानते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, धन्यवाद।